हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाले हैं जो कि आपके हर साल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके यूपी और बिहार पॉलिटेक्निक के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 21 दिया है कि किसका परमाणु आकार सबसे बड़ा है, तो देखिए ए ऑप्शन दिया बोरान, बी ऑप्शन दिया कार्बन, उसके बाद से सी ऑप्शन दिया लिथियम, उसके बाद से डी ऑप्शन दिया ऑक्सीजन। देखिए आपको क्या करना, देखिए यहाँ पर आपका दिया है बोरान, तो बोरान का एटॉमिक नंबर क्या होता है 5, कार्बन का क्या होता है 6 होता है, लिथियम का आपका 3 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा तो आपको ऑक्सीजन, आपको ऐसे नहीं पता करना है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8 है, तो ये आपका बड़ा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लिथियम, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 21 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम, यानी कि जो आपका सी ऑप्शन दिया है आपका राइट हो जाएगा, यानी कि किसका परमाणु आकार सबसे बड़ा है तो लिथियम का है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि निम्न में किसमें सबसे कम, यानी कि सी एच, सी सिंगल बॉन्ड एच बंद की लंबाई है, तो ए ऑप्शन दिया है सी एच फोर, और बी ऑप्शन दिया है सी टू एच सिक्स, और सी ऑप्शन दिया है सी टू एच फोर, उसके बाद डी ऑप्शन आपका दिया है सी टू एच टू। तो देखिए फ्रेंड्स, सी एच फोर क्या होता है, आपका मेथेन होता है जिसमें आपका 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक कार्बन होता है, ठीक है, तो ये आपका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद से आपका दिया है सी टू एच सिक्स, यानी कि सी सिंगल बॉन्ड 6, उसके बाद से यहाँ से आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। उसके बाद से आपका जो दिया है सी टू एच फोर, आपका एथिलीन होता है, यानी कि सी डबल बॉन्ड सी, उसके बाद से एच टू होता है, और यहाँ से आपका एच टू लग जाएगा। उसके बाद से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका तीसरा जो आपका दिया है, जो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन जो आपका दिया है सी टू एच टू दिया है, तो इसमें क्या होता है कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है, उसके बाद से यहाँ से एच, यहाँ से एच लग जाता है। तो आपका क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्न में से हमको बताना है कि किस में सबसे कम बंद की लंबाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी टू एच टू, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि बेंजीन में कार्बन परमाणुओं पर निम्न संकरण होता है, यानी देखिए फ्रेंड्स हमको बताना है कि इसमें किसमें निम्न संकरण होता है, तो ए ऑप्शन दिया एस पी, और बी ऑप्शन दिया एस पी टू, सी ऑप्शन दिया एस पी थ्री, उसके बाद से डी ऑप्शन आपका जो दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका बेंजीन होता है सी सिक्स एच सिक्स होता है, तो हमको बताना है कि कार्बन पे, यहाँ पर आपका क्वेश्चन में क्या बोला है कि बेंजीन में कार्बन परमाणुओं, कार्बन परमाणुओं पर निम्न संकरण होता है। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 23 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा sp2 संकरण होता है। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि निम्नलिखित में से किसमें एक ध्रुवीय सह संयोजी बंध पाया जाता है, तो ए ऑप्शन दिया सोडियम क्लोराइड, बी ऑप्शन दिया NH3, सी ऑप्शन दिया O2, और डी ऑप्शन दिया कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पे 24 दिया है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से NH3, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 25 दिया है कि इनमें कौन सबसे अधिक आयनिक है, तो हमको बताना है कि इसमें से सबसे ज़्यादा आयनिक वाला कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ए ऑप्शन आपका दिया है P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, और बी ऑप्शन दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, और सी ऑप्शन दिया CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड, और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया है Mn2O7। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 25 दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैंगनीज ऑक्साइड, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 26 दिया है कि अक्रिय गैसों की संयोजकता है, तो ए ऑप्शन दिया है 0, बी ऑप्शन दिया 1, सी ऑप्शन दिया 2, और डी ऑप्शन दिया 8। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका यहाँ से अक्रिय गैसें जो होती हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, उसके बाद से क्रिप्टान, जेनान, रेडान होता है, ठीक है, तो ये आपके क्या होती हैं, अक्रिय गैसें होती हैं, तो इनकी जो संयोजकता होती है वो आपका क्या होता है शून्य होता है, यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 27 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का एक चालक नहीं है, तो इसमें से बताना है कि कौन सा एक विद्युत का चालक नहीं है, तो ए ऑप्शन दिया NaCl सोडियम क्लोराइड, बी ऑप्शन दिया MgCl2, और सी ऑप्शन दिया CaF2, और डी ऑप्शन दिया आपका यहाँ पे C6H12O6। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 27 दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा C6, यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा C6H12O6 हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 28 दिया है कि एक क्षारीय धातु हैलोजन के साथ संयोजित होकर बनाएगी, यानी कि जो आपका क्षारीय धातु होगा हैलोजन के साथ संयोजित होकर क्या बनाएगी। तो देखिए ये ऑप्शन आपका दिया है कि सदैव सहसंयोजी बंध बनाएगी, बी ऑप्शन दिया सदैव आयनी बंध, और सी ऑप्शन दिया सहसंयोजी या आयनी आयनी में से कोई नहीं, और डी ऑप्शन दिया दोनों संयोजित नहीं होंगे। तो देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 28 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा सदैव आयनी बंध बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 29 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व यानी कि जिसके परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, तो तीन इकाई धनावेश वाला आयन बनाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए ऑप्शन आपका दिया है 9, बी ऑप्शन दिया 13, सी ऑप्शन दिया 18 और डी ऑप्शन दिया 12। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन का आपका क्या होता है एटॉमिक नंबर 9 होता है। उसके बाद से यहाँ पे आपका दिया है 13, तो 13 किसका होता है एल्युमिनियम का होता है। 18 किसका होता है फ्रेंड्स, तो ये आपका आर्गन का होता है। और 12 किसका होता है फ्रेंड्स, तो ये आपका Mg का 12 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है। तो देखिए फ्रेंड्स हमको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा जो तत्व है परमाणु क्रमांक वाला कि जिसमें तीन इकाई आपका धनावेश होता है। तो देखिए फ्रेंड जो आपका एल्युमिनियम होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 3, तो इसके बाह्य कोष में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए इस पर +3 चार्ज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर जो आपका 29 दिया है इसका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजी यौगिक नहीं है, तो ए ऑप्शन दिया NH3, बी ऑप्शन दिया CH2 और सी ऑप्शन दिया CH4। उसके बाद से यहाँ पे आपका देखिए फ्रेंड्स जो आपका डी ऑप्शन दिया है डी ऑप्शन में आपका क्या दिया Al2O3 यानी कि एलमुना। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 30 दिया है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा CH2 हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31, देखिए यहाँ पर दिया क्वेश्चन नंबर 31 कि इथाइलिन में सहसंयोजी बंधों की संख्या होती है, तो ए ऑप्शन दिया दोहरे बंध और 2 एकल बंध। उसके बाद से आपका दिया है बी ऑप्शन दो दोहरे और 4 एकल बंध। उसके बाद से आपका सी ऑप्शन क्या दिया है कि 2 दोहरे और 2 एकल बंध और डी ऑप्शन दिया है 1 दोहरा और 4 एकल बंध। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 31 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी ऑप्शन 1 दोहरा और 4 एकल बंध होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 32 दिया है कि निम्नलिखित में से किस में एक त्रिसहसंयोजी बंध शामिल है, तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका ए ऑप्शन दिया है PH3 और बी ऑप्शन दिया है CO2, सी ऑप्शन दिया AlCl3 और यहाँ पे डी ऑप्शन आपका जो दिया है C2H2 दिया है। तो इसमें हमको बताना है कि बोला है कि त्रिसहसंयोजी बंध शामिल किस में है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका C2H2 होता है C2H2 ये आपका क्या होता है यानी कि C CCH होता है, क्या होता है फ्रेंड्स C CCH होता है, ठीक है। तो ये आपका होता है फ्रेंड्स इसमें आपका त्रिबंध होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 33 दिया है कि निम्नांकित में कौन सा एक रैखिक है, तो ए ऑप्शन दिया है CO2, बी ऑप्शन दिया NO2, सी ऑप्शन दिया SO2 और डी ऑप्शन दिया है ClO2। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 33 दिया है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2, क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये आपका इसमें क्या हो जाएगा रैखिक है, लीनियर है। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 34 है कि सोडियम क्लोराइड का सही सूत्र है, तो ए ऑप्शन दिया NaCl, बी ऑप्शन दिया Na+Cl- और सी ऑप्शन दिया Na+Cl- और यहाँ पे ब्रैकेट्स के बाहर क्या है N। उसके बाद से यहाँ पे देखिए जो आपका डी ऑप्शन दिया है ये आपका दिया NaNCLN। तो देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 34 दिया है इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्न में से किस में दोहरा सहसंयोजी बंध शामिल है, तो ए ऑप्शन दिया C2H2, बी ऑप्शन दिया C2H6 और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया है आपका C2H4, डी ऑप्शन दिया C3H8। तो देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 35 दिया है क्वेश्चन नंबर 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा C2H4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका देखिए एथिलीन होता है C डबल बॉन्ड C और यहाँ से H2 होता है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है डबल बॉन्ड है, ठीक है डबल बॉन्ड है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा दोहरा सहसंयोजी बंध। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36, देखिए जो आप क्वेश्चन नंबर 36 है कि वह अणु चुनिए जिसमें केवल एक त्रिबंध है, तो ए ऑप्शन दिया है Cl2, बी ऑप्शन दिया NH3, सी ऑप्शन दिया Na2। उसके बाद से आपका डी ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स C2H4, हम जानते हैं C2H4 में डबल बॉन्ड होता है। उसके बाद से N2 दिया है तो N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ठीक है।
तो हमको त्रिकी बंध ढूंढना था। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 36 नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया है इसका सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 37, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजी बंध शामिल किए हुए है। तो देखिए फ्रेंड्स ए ऑप्शन आपका दिया है MgCl2, बी ऑप्शन दिया है CaF2, और सी ऑप्शन दिया Al2O3, और डी ऑप्शन दिया HCl। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 37 दिया है इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 38, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 38 है दो ऋण वैद्युत परमाणु मिलकर बनाते हैं, तो ए ऑप्शन दिया आयनी बंध, बी ऑप्शन दिया सहसंयोजी बंध, सी ऑप्शन दिया उपसहसंयोजी बंध, और डी ऑप्शन दिया कुछ नहीं कहा जा सकता। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 38 दिया है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सहसंयोजी बंध बनाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 39, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 39 दिया है कि सहसंयोजक बंध होंगे, तो ए ऑप्शन दिया Na2 अणु में, बी ऑप्शन दिया NaCl अणु में, और सी ऑप्शन दिया KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड अणु में, और डी ऑप्शन दिया मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि MgCl2 अणु में। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पे 39 दिया है फ्रेंड्स इसका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा Na2 अणु में। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 40 है कि सहसंयोजी यौगिक जो जल में आयनित हो जाता है, तो ए ऑप्शन दिया H2S, बी ऑप्शन दिया CCl4, और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया Cl2, और डी ऑप्शन दिया है आपका N2। तो देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 40 दिया है इसका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको 40 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताया है जो कि आपके हर साल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे आते हैं। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।